हेलो, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम टू माय चैनल इंस्पायर फार्मा। तो पेश हूँ आज आपके सामने एक अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो को लेके। आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि जब आप बी फार्मेसी या डिप्लोमा इन फार्मेसी आपने कंप्लीट कर लिया होता है, उसके बाद आपको अपनी स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंदर अपने आप को एज ए फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड करवाना होता है। तो अपनी इस वीडियो में मैं आज ये डिस्कस करने वाला हूँ कि जब भी आपको अपने आप को एज ए फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड करवाना है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ते हैं। मैं अपनी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया था। उसे मैंने सेकंड डॉक्यूमेंट का जिक्र किया था, एफिडेविट, कि आपको अपनी तहसील से 100 रुपीज का एक एफिडेविट बनवाना पड़ता है। अब मैं ये वीडियो इस टॉपिक पे लेके आया हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि उस एफिडेविट का फॉर्मेट क्या है, उस एफिडेविट में हमें क्या क्या पॉइंट्स मेंशन करवाने पड़ते हैं। तो मैं अपनी वीडियो उसी टॉपिक पे लेके आया हूँ कि अगर जो आपको एफिडेविट बनवाना है, स्पेशली मैं बात करूंगा पंजाब फार्मेसी काउंसिल में करवाना है, तो ये पंजाब के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, स्पेशली जिन्होंने अभी अभी बी फार्मेसी या डिप्लोमा इन फार्मेसी कंप्लीट किया है। तो हम कुछ उसके अंदर कुछ 7 से 8 पॉइंट्स होते हैं, हम एक एक करके उन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी डिले के साथ हम अपने मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले, जब भी आप बी फार्मेसी या डी फार्मेसी कंप्लीट कर चुके हो, तो उसमें जो एफिडेविट का फर्स्ट जो वो होता है, फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि मैंने अपनी 10th क्लास इस स्कूल से इस ईयर में पास की है और उसमें मेरी एज इतनी थी। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट कि मैंने 10th मान लो कहीं से भी की है, आई हैव पास माय 10th क्लास फ्रॉम एसजी स्कूल इन 2016 एंड एट दैट टाइम माय एज इज दिस। ये फर्स्ट पॉइंट उसका होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या होता है, सेकंड पॉइंट उसका ये होता है कि मैंने अपनी प्लस टू क्लास कहां से पास की है। मानो आई हैव, या ऐसा पॉइंट आएगा, आई हैव पास माय मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन फ्रॉम दिस स्कूल एंड इन दिस ईयर, इस ईयर में कंप्लीट की है और उसमें मेरी एज इतनी थी। दिस इज द सेकंड पॉइंट। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आता है कि अगर आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया है या डिग्री इन फार्मेसी किया है। अगर डिप्लोमा किया है तो आप लिखोगे कि आई हैव पास माय डिप्लोमा इन फार्मेसी इन दिस कॉलेज अंडर दिस सेक्शन। मतलब डिप्लोमा 2 साल का, 2016 से 18, डिग्री है 2016 से 2020। तो पहले आपको अपनी तीनों क्वालिफिकेशंस का मेंशन कर देना है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या आता है, फोर्थ पॉइंट आता है, जैसे कि आपको पता है कि डिग्री या डिप्लोमा लेने के बाद एक हमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी करते हैं। जैसे व्हेन यू आर द डिप्लोमा इन फार्मेसी, तो 2 साल के बाद आपको हॉस्पिटल ट्रेनिंग के लिए जाना होता है 3 मंथ्स के लिए, एटलीस्ट 500 आवर्स की रहती है। वही डिग्री के बाद 45 डेज की रहती है। तो आपको बताना है कि मैंने अपनी प्रैक्टिकल सेशन यानी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट की है इस कॉलेज और सॉरी इस हॉस्पिटल में की है। अगर आप डिप्लोमा है तो हॉस्पिटल में, डिग्री है तो दोनों जगह का चल सकता है, या कंपनी में की है, इतने मंथ्स के लिए की है और इतने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आवर्स मैंने वहां पे स्पेंड किए हैं। तो 4 पॉइंट हो गए, पहले हमने 10+2 के बारे में बताया, आपने हमने प्लस टू के बारे में बताया कहां से पास किया है, फिर अपनी डिग्री या डिप्लोमा के बारे में बताया, फिर बताया कि कहां से हॉस्पिटल ट्रेनिंग की है। तो 4 पॉइंट्स आप बता चुके हो, है ना। तो पांचवा पॉइंट क्या होता है, पांचवा पॉइंट इज अ वेरी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें आपको ये बताना होता है कि मैं अपनी क्वालिफिकेशन मैं फेक नहीं कर रहा हूँ, मैंने प्रॉपरली जो रेगुलेटेड बोर्ड्स है, रेगुलेटेड यूनिवर्सिटी है, उसी के अंदर की है। और अगर मैं कोई ऐसी फेक सर्टिफिकेट या फेक 10th का सर्टिफिकेट प्लस टू या डिग्री डिप्लोमा का करता हूँ, तो उसके लिए मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो एक तरह की सेल्फ डिक्लेरेशन अबाउट योर क्वालिफिकेशन जो है वो पांचवें पॉइंट में मेंशन की जाती है। तो ये आपका हो गया पांचवा पॉइंट। उसके बाद एक दो या तीन पॉइंट और होते हैं, जिसमें से एक पॉइंट ये भी मेंशन किया होता है कि मैं किसी और स्टेट में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ इसी स्टेट में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। क्योंकि एक पर्सन 2 स्टेट में एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं हो सकता है, तो ये भी आपको अपनी तरफ से सेल्फ डिक्लेरेशन देनी है कि मैं किसी और स्टेट में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं हूँ। एक वन ऑफ द अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि मैं आफ्टर रजिस्ट्रेशन मैं अपने फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन का कोई भी गलत यूज नहीं करूंगा। जैसे कि फार्मेसी एक्ट ऑफ इंडिया 1940 में जो भी रूल्स बताए हुए हैं कि फार्मासिस्ट को ये चीजें फॉलो करनी है आफ्टर गेटिंग द रजिस्ट्रेशन, मैं वो सारे रूल्स को फॉलो करूंगा, सारी गाइडलाइंस को फॉलो करूंगा। अगर अगेन मैं किसी ऑफेंस करते हुए पाया जाता हूँ एज रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, तो उसके लिए मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ। अगेन ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन हो जाती है।
लास्ट एक अनदर पॉइंट जो 6 पॉइंट होता है वो ये होता है कि आपको अपनी रेजिडेंशियल इन्फॉर्मेशन बतानी होती है कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। मान लो आप पंजाब में हो तो पंजाब में जहाँ पे रहते हो, आई एम लिविंग हियर फ्रॉम दिस इन दिस एरिया एंड माई डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज जो है वेरीफाइड फ्रॉम द तहसीलदार, वेरीफाइड और इशूड फ्रॉम द तहसीलदार कि मैं यहाँ पे इतने सालों से रह रहा हूँ, मेरे पास इस जगह का डोमिसाइल और रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है। क्लियर? तो ये भी एक, ये 8 पॉइंट्स होते हैं, मैं दोबारा बता देता हूँ। और सारी 8 पॉइंट्स के बाद आपको नीचे तहसीलदार की स्टैंप लगवानी होती है, ऊपर 50-100 रुपए का तहसील से एक वहां पे स्टैंप और एक टिकट टाइप लगती है। तो ये चीजें आपको करवानी है। आप कचहरी में किसी के पास भी चले जा सकते हो, मैं इस डॉक्यूमेंट का लिंक भी शेयर कर दूंगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हो ताकि वहां से आप वहां पे जो भी तहसील कचहरी में जिसके पास भी जा रहे हो उसको दिखा दो ताकि उसे और ईज हो जाए। तो एक तरह का ये एफिडेविट क्या होता है, सेल्फ डिक्लेरेशन, अपने बारे में डिक्लेयर करना चीजें। मैंने 10th यहाँ से पास की, प्लस 2 यहाँ से पास की, डिप्लोमा यहाँ से पास किया है, ये सारी इंफॉर्मेशन होती है। डिग्री यहाँ से पास की है, मैं डिग्री का कोई डिग्री के डॉक्यूमेंट्स और फॉल्स फेक सर्टिफिकेट्स नहीं बता रहा। मैंने एक रेगुलेटेड बोर्ड्स और रेगुलेटेड यूनिवर्सिटी से पास किया है। 5वां, मेरे पास रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ काफी सालों से या जितने भी ईयर से रह रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आफ्टर रजिस्टर्ड फार्मेसी, जो फार्मेसी एक्ट ऑफ इंडिया ने रूल्स और गाइडलाइंस बताए हैं, मैं उन सारे रूल्स और गाइडलाइंस को फॉलो करूंगा। अगर मैं किसी भी तरह का ऑफेंस करते हुए पाया जाता हूँ तो मेरे अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। तो दिस आर द सर्टन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच आर मेंशन इन द एफिडेविट जो आपको बनवाना है अगर आप फार्मेसी काउंसिल में अपने आप को एज रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट करवाना चाहते हो। मेरे को उम्मीद है कि आप मेरे सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं हर बार आपके क्वेश्चंस को टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। सो टिल द टाइम, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंस्पायर फार्मा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंस्पायर फार्मा। थैंक यू।